सेम ही लग रही हूँ यार सब में, क्या ही गुड एंगल। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एम आई लुकिंग फाइन? ऑफ कोर्स। आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है, वे आई बी एक्सप्लेनिंग यू दैट इफ यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर देन आप कैसे अपना गोल अचीव कर सकते हैं, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी एंड व्हाट आई डिड टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट द एज ऑफ 22। सो those who think that इतनी जल्दी कैसे हुआ, it was because I qualified NET when I was 21 and I was in the first year of my master's degree and मतलब मैंने actually form fill किया था जब वो आया था, I believe मार्च अप्रैल के अराउंड हमारा फॉर्म आया था and but by the time when examination was held was around I believe September and October और November में मेरा result declared हो गया था। सो उस टाइम तक मैं अपने मास्टर्स के सेकेंड ईयर में आ गई थी एंड मेरा जो साइकिल था इट वाज मर्ज विद द कोविड वन, बिकॉज उस टाइम पे कोविड के टाइम पे हमारे एक्चुअली नेट का एग्जामिनेशन हो नहीं रहे थे एंड इवन वंस इन अ ईयर ओवर थे, जो कि यूजुअली एक्चुअली जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो आपका ट्वाइस अ ईयर होता है, ठीक है ना। सो मेरे टाइम पे वो वंस ईयर हो रहे थे एंड इट वाज मर्ज साइकिल, बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्वालिफाई हो गया था at that point I was 21। उसके बाद I completed my master's in 22 and 22 के बाद started looking for the job and for the same post which was assistant professor। so recently I'm taught in Chitkara University as an assistant professor in CSMC department which is Chitkara School of Mass Communication। so यहाँ पे I got to know like LinkedIn के through I got this job and इससे पहले भी I actually applied to अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल लाइक बरेली एंड गुजरात इन एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि मुझे बस जॉब चाहिए थी इसकी, आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस इट बिकॉज मुझे लगता है कि आई नो आई नीड टू डू PhD, इट इज़ मैंडेटरी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट एनरोल इन PhD प्रोग्राम एज वेल, बट आई बिलीव कि मतलब इस टाइम तक जब तक मैं खुद को प्रिपेयर करती फॉर द PhD, मेरे को टॉपिक डिसाइड करना है, हैव टू नो माई नीश जिसमें मैं अपना कंटिन्यू करना चाहती हूँ अपना फील्ड। सो उस टाइम तक के लिए आई थॉट कि मतलब आई डोंट आई स्टार्ट टीचिंग, इसको भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द जॉब्स एंड लिंक्डइन के थ्रू मैंने देखी कि ठीक है मतलब वहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट आती रहती हैं एंड आई वॉज वेरी एक्टिव इन लिंक्डइन एंड आई सजेस्ट यू एज वेल, लिंक्डइन में आई बिलीव देर आर प्लेंटी ऑफ जॉब ड्राफ्ट्स टू मी, यू जस्ट नीड टू नो कि आप कैसे उस जॉब को अप्रोच कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप अपना ईमेल कैसे बना रहे हैं, यू नो यू हैव टू बी वेरी इंटरेक्टिव एंड स्मार्ट विद दैट। सो दैट्स व्हाट आई डिड, आई बीइंग अ फ्रेशर मतलब दिस जॉब इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स जस्ट नॉट टीचिंग आई टेल यू, मतलब एक्सेप्ट टीचिंग क्लासरूम टीचिंग देर आर अदर थिंग्स एज वेल जो कि हमें करनी होती हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप वो भी ध्यान रखें, क्योंकि मुझे सिर्फ लगता था क्लास में जाके पढ़ाना ही तो इट्स दैट ईजी, बट उसके बाद आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। तो जैसे मुझे टच वुड अभी मैं फ्रेशर हूँ एंड द प्लेस आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैं इधर मिला, मुझे अच्छे लोग मिले, मेरे सीनियर्स बहुत हेल्पफुल है, दे हेल्प मी इन एवरी थिंग, ठीक है वो मुझे सिखाते हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं, बिकॉज मैं नहीं हूँ, मुझे एक अटेंडेंस रजिस्टर तक मेनटेन करना नहीं आता था ट्रस्ट मी, बट नाउ आई नो, तो उनकी हेल्प से मुझे मतलब उनकी हेल्प ने ना मुझे बहुत हेल्प करी टू ग्रो। तो अभी मुझे आई गेस कुछ मंथ्स हो गए, 4-5 months हो गए एंड नाउ आई नो द सिस्टम एटलीस्ट एंड आई हैव बीन लविंग माई जॉब सिंस देन। सो येस टू हैव द जॉब, कमिंग टू द पॉइंट, आपको जॉब के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, लिंक्डइन के थ्रू देख रहे हो कैसे भी देख रहे हो, इट्स गुड अगर आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है इट्स वेरी गुड, आपके आपके प्रोफेसर आपको कहीं पर रिकमेंड करवा रहे हैं ये सब कुछ इट्स गुड, बट अपनी तरफ से आप ट्राई करें कि आप एक्टिव रहें, ठीक है ना, और मेल्स भेजते रहें एंड नेवर थिंक कि नहीं यार यहाँ तो नहीं हो सकता है, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे लिटरली आई मेरा एक गोल था 2023 का कि यार मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बना के आगे लगवाना है, ठीक है, एंड वो मैंने बहुत सोचा था कि हाँ बहुत ही ज़्यादा टफ होगा, बट इतना टफ मेरे लिए नहीं था बिलीव, और वैसे भी नहीं, इफ़ यू आर एक्चुअली एलिजिबल इफ़ यू आर वर्थी, जब इंटरव्यू के टाइम में बी प्रिपेयर्ड, जाने अच्छे से, स्पीक वेल एंड अपने बारे में जाने, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जाने, हैव गुड नॉलेज, ठीक है अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आई बिलीव यू आर गुड टू गो, यू डोंट नीड टू वरी अलॉट, ठीक है, सो यू विल डू इट, इट्स ओके, नो नीड टू वरी एंड ओके। सो एज वी नो एलिजिबिलिटी इज़
इफ़ यू डोंट नो. ओके, सो इफ़ यू डोंट नो द एलिजिबिलिटीज, आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए, इधर सी एस आई आर नेट जो कि साइंस स्ट्रीम्स वालों के लिए होता है, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के लिए वी हैव यू जी सी नेट. सो जैसे मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँ, ठीक है ना, मास कम्युनिकेशन माई सब्जेक्ट. सो मैंने नेट क्वालिफाई कर दिया था 2021 में. 2022 में जैसे मेरी मास्टर्स की डिग्री आई, उस टाइम तक मैं एक्चुअली फ्री लैंसर थी, आई वॉज वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज वेल. सो आई वॉज हैप्पी इन दैट जॉब, मैं चाहती थी मैं कंटिन्यू कर सकती थी, मतलब वो मुझे अच्छा पे भी कर रहे थे, ठीक है, बट आई वॉन्टेड टू स्विच and I wanted to do a legit job and I wanted to do a legit job and experience it and it was one of my best decisions I believe. Though अभी मुझे दिखता है कि मेरे साथ के बहुत एक्सपीरियंस है, दे आर डूइंग PhDs, कई डॉक्टरेट हैं, वो एक्सपीरियंस दिखता है, बट उसकी वजह से आपको छोटा फील नहीं करना है खुद. ओके, यू विल हैव योर ओन टाइम. आप जो PhD करेंगे दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सपीरियंस थिंग्स, है ना, ये आपको करनी चाहिए, मतलब मैं तो करूँगी. दैट आई सजेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर आप आगे देख रहे हैं तो PhD बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रायोरिटी में रखा जाएगा अगर आपकी PhD है. सो मैं करूँगी इस साल में, मतलब पहले बिलीव आया मैंने भी, इवन अभी PhD में आके आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग एनरोल्ड इन सम यूनिवर्सिटी, आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट. सो अगर आपको, बट अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सो जस्ट मेक श्योर अपना एक गोल क्लियर रखें, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट अपने कंसिस्टेंट रहें अपने एग्जाम्स के साथ. प्रीवियस ईयर पेपर्स आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स ने, ठीक है ना. एंड कीप प्रैक्टिसिंग, थ्योरी पढ़ें बट बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ही ज़्यादा गहराई में ना जाएँ, क्योंकि आप उसकी वजह से ना जो आता है एक्चुअली वो भूल जाएंगे, है ना, और आप बहुत डेप्थ में चले जाएंगे. Now coming to the next point, which is how to prepare for the UGC NET examination. So मैं अपने experience से बताने वाली हूँ. मैंने previous year papers पर बहुत ध्यान दिया था. I make sure कि मैं previous year papers को बिल्कुल भी ignore नहीं करूँ, क्योंकि उसके वजह से आपको paper pattern समझ में आ जाता है. Paper pattern जैसा होगा आप उसके according तैयारी कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप शॉर्ट पीरियड में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस पेपर्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एक पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको पता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, तो यू विल फोकस ऑन ओनली दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना. अच्छी बात है अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो आप, मतलब आप डेप्थ में जाएं, बट अगर आपके टाइम है तो डू दैट, बट अगर टाइम नहीं है तो डोंट, आई वोंट सजेस्ट यू टू डू दैट. ओके, क्योंकि आप लोगों के पास कम टाइम है तो आपको स्मार्ट खेलना होगा, तो प्रीवियस पेपर्स पे ध्यान दें, है ना, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, थ्योरी पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस में जब आप आएँ तो पूरा आप, मतलब क्वेश्चंस जितने ज़्यादा जल्दी करोगे ना, वो जितने प्रैक्टिस करोगे आपका उतना टाइम बचेगा, आपने स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे. दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन, जो मैंने खुद किया था, मैंने इम्प्लीमेंट किया एंड इट वर्क फॉर मी. ओके, सो मैंने थ्योरी पढ़ी एंड मेरे केस में एक्चुअली था, मैंने ग्रेजुएशन भी सेम सब्जेक्ट में किया है, मास्टर्स भी सेम में था, तो मेरी थ्योरी हमेशा से अच्छी थी एंड मेरा पेपर टू हमेशा से स्ट्रॉन्ग है. सो मुझे पेपर टू में एक्चुअली बहुत काम नहीं करना पड़ा, और मुझे लास्ट में एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पेपर टू है, और अगर मैं पेपर टू में ज़्यादा काम करती तो शायद मैं GRF भी क्लियर कर देती, बट मैंने पेपर वन में फोकस किया एंड इट्स वेरी वाइड, ट्रस्ट मी. आपको देखना पड़ेगा उसमें स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से, मैंने DI मतलब मेरा वीक पॉइंट है, तो DI में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, फिर ऐसा करती हूँ, आई प्रैक्टिस इट, नहीं आएगा तो इट्स ओके. इंस्टेड व्हाट आई डू इज़ लाइक, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं बहुत अच्छा करती हूँ, कि ये जो क्वेश्चन आएंगे ये तो मैं सही करूँगी, है ना, तो वो मैंने किया. बट पेपर वन में मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कितनी मेहनत करी, क्वेश्चन जब आया इज लाइक मैन ये तो मैंने, मतलब ये क्या आ रखा है, मैंने इतना पढ़ा पर ये तो कुछ आया ही नहीं. फिर मतलब क्वेश्चन वन, पेपर वन का जो एक्चुअली सीन है वो है कि आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज है, वो आप अगर उतने मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना. आप नहीं मैटर करता कि आप, आपको उसमें ज़्यादा मार्क्स लेके आने की ज़रूरत ही नहीं है, उतने लेके आए जितने आप बस पास हो सकें उसमें, ठीक है ना. पेपर टू में काम करके आप एक्चुअली GRF क्लियर कर सकते हैं, है ना, दैट्स व्हाट आई बिलीव. पेपर टू पे अगर आपको, पेपर टू बहुत अच्छा है, पेपर टू पे बहुत अच्छा काम करें, पेपर वन में उतना काम करें कि आप बस, मतलब आप क्वालिफाई हो सकें, है ना. तो पेपर टू अगर आपको लगता है, मेरा पेपर टू अच्छा है, सो मैं क्या करूँगी कि मैं पेपर टू पे ज़्यादा काम करूँगी, ताकि मैं GRF वाली कैटेगरी में आ पाऊँ, क्योंकि मेरा पेपर वन तो उतना ही है. मतलब मैंने देखा पेपर वन में मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ. अगर आप लोगों का, मे भी किसी का हो सकता है कि पेपर वन बहुत अच्छा हो, बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं है, जिनका नहीं है, उनके लिए मैं कहूँगी कि आप पेपर टू, आपको देखना होगा पेपर वन अच्छा है, पेपर टू अच्छा है, आप किस में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच मैटर्स. सो आप वो ध्यान रख के पेपर अटैम्प्ट करें,
बाकी पेपर में एक बार तो आप एक बार बैठेंगे ना, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, टाइमिंग समझ में आ जाएगा, आप कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है ना। आपने जो सोचा था कि होगा मुझे आ रहा है, वहाँ पे जाके भूल गया क्या हुआ, आप खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे, खुद को जज कर पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, कुछ नहीं करी, बट जस्ट अटेम्प्ट, सेट एंड अटेम्प्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप वो करें एंड हो जाएगा। कुछ महीने अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेडिकेटली पढ़ो, डेडिकेटली एग्जाम दो, एक्चुअली आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। नीड टू वरी अबाउट दैट, यू विल डू इट। एंड अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई मेक श्योर कि मैं सबका रिप्लाई करूँ। एंड अगर आपको इसी रिगार्डिंग कोई और वीडियो भी चाहिए, ऑल्सो लेट मी नो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई बिलीव आई एम डन। ठीक है, सी यू माई नेक्स्ट ब्लॉग एंड टाटा, आई सी यू लेटर, बाय।